हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है पास्ता का रायता। पास्ता का रायता बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी पास्ता, पाँच सौ ग्राम दही, नमक, मिर्च और जीरा। तीन गिलास लेंगे पानी। गैस को ऑन कर देंगे। अब उसमें डालेंगे एक चम्मच तेल और एक चम्मच नमक। अब हम इसमें डालेंगे अपना पास्ता। पास्ता को कम से कम हम 10 मिनट तक बॉईल करेंगे और फिर चेक कर लेते हैं। पास्ता हमने काट के चेक कर लिया है, पास्ता हमारा पक चुका है, तो अब गैस बंद करेंगे और पास्ता को हम अलग से निकाल लेंगे ताकि इसका पानी हम अलग कर लें। अब पास्ता को दही में मिलाएंगे अच्छे से। एक चुटकी नमक और मिर्च पाउडर। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम एक तवे में लेंगे जीरा। जीरे को हमें भूनना है अच्छे से। जब तक ये ब्राउन हो जाए तो हम इसे थोड़ा सा घुमा लेंगे हाथों से। अब हम इसको पीस लेंगे। तो जो मैं पीस रही हूँ वो बेलन के सहारे पीस रही हूँ, आप किसी भी सहारे पीस सकते हैं। हमें इसका पाउडर बनाना है एकदम। ये पाउडर बन चुका है और हमें बचा हुआ जो जीरा है बेलन से अच्छे से निकाल लेंगे। अब हम इसको पास्ते में ऐड करेंगे। अब चम्मच से हम इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि पाउडर जो है वो हमारा पास्ता और दही में अच्छे से मिल जाए। अब हम लेंगे दो चम्मच तेल। दाल की चम्मच होती है उसमें तेल डालना है जिससे हम दाल निकालते हैं। ये पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मिर्च। मिर्च आप टेस्ट के अनुसार ही डालिएगा। अब हम इसे ऐड करेंगे अपने पास्ता के रायते में। अच्छे से मिला लेंगे। देखिए क्या शानदार कलर आया है। अब हम इसको अच्छे से मिलाकर सर्व करेंगे। पास्ता तैयार हो चुका है दोस्तों। अब मैं इसे एक प्लेट में अच्छे से सर्व करने के लिए यानी खाने के लिए डालूंगी। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।